वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इस पर डिस्कस करेंगे विदाउट डायरेक्शन एरिया या फिर कैंपस को पॉजिटिव करने का। सो वास्तु हैक्स फॉर पॉजिटिविटी। बेसिकली आज इस वीडियो पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने घर को या फिर अपने ऑफिस को या फिर अपने कैंपस को पूरा पॉजिटिविटी से कैसे भर सके या फिर पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। अक्सर देखा जाता है कि आज के टाइम पे घर की बात कर ले तो घर पे भी कला कलेश चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस, ये प्रॉब्लम्स तो बाद में आती है बट पहले ये इशू आता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन चलता है। इवन ऑफिस की भी बात कर ले, स्टाफ से नहीं बनती है, मैनेजमेंट से नहीं बनती है। तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए या फिर पूरा पॉजिटिविटी से कैसे भरा जाए। बेसिकली अक्सर मैं वीडियो पे डिस्कस करता हूँ डायरेक्शंस को लेके कि नॉर्थ को सुधारिए या इस डायरेक्शन को बैलेंस करिए। डेफिनेटली ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है बट आज ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इस पर डिस्कस करेंगे विदाउट डायरेक्शन एरिया या फिर कैंपस को पॉजिटिव करने का। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स। ये वास्तु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर मेरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है बट फिर भी मैं बता दूं, हमारे घर पे या हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द कैसी मूर्तियां हैं या फिर कैसे स्ट्रक्चर्स रखे, इवन कैसे पेंटिंग्स रखे, वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रोल प्ले करता है हमारे माइंड के साथ। एक्चुअली जो भी हमारे आसपास की चीज़ें रहती है ना, वो हमारे साथ गेम खेलती हैं। मतलब ये कोई खेलने वाला गेम नहीं बट हमारे माइंड के साथ वो गेम खेलते रहती है और ये हमारे को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, EFFECT वाला इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूँगा, पहली बात तो एंटिक्स चीज़ें घर से हटा दीजिए, जितने कोशिश हो सके कम रखें एंटिक्स चीज़ें। भगवान की रख रहे हैं या फिर अपने जिस भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं उससे रख रहे हैं ठीक है, बट आजकल वो आता है ना मॉडर्न जैसा। अब ये देखिए, अब इससे होता क्या है ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। अब जैसे ये दिखा रहा है, आई डोंट नो, तो समझ नहीं आती है चीज़ें। जैसे आदमी दूर जा रहा है, अब दो मिनट के लिए सोच लीजिए, ये वाइफ है उसकी, ये हस्बैंड है, ये दूर जा रहा है, ये ट्रस्ट में जिस कपल के रूम में रखा जाएगा ना वो दोनों ऐसे दूर होने लग जाएंगे, ट्रस्ट में ये ऐसे वर्क करता है। पेंटिंग्स की बात अगर हम कर ले, इनका समझ ही नहीं आ रहा है कि आँख कैसा, मतलब एक देख के थोड़ा अजीब, मतलब पूरा कचड़ा वाला फील आ रहा है, ये आपके दिमाग को पूरा कचड़े से भर देगा, ट्रस्ट में। तो इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। ये दो तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बट ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कईयों के घर में, मैं मैक्सिमम मैं हटवा देता हूँ, ट्रस्ट में, मैं जिसका मतलब प्रॉपर कंसल्ट करता हूँ ना, हटवा देता हूँ। बहुत जगह ऐसे देखता हूँ कि एक मतलब औरत है, उसका आधा सर नहीं है, कोई एक पेंटिंग है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके हाथ ही नहीं है, ट्रस्ट में वो आपका हाथ खराब कर देगा। और मजाक लग रहा है तो मत ट्राई करिए यार, ये चीज़ को खतरनाक साबित होती है। दूसरा आता है बर्निंग फायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आसपास फायर जला कर रखो। इसका ये मतलब नहीं कि घर पे आग लगा दो बट एटलीस्ट एक दिया जला दो। कुछ नहीं कर सक रहे हो आप, एक दिया लाइट कर दीजिए ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, या फिर एक लैंप जला के रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये लैंप या फिर दिया एडिबल ऑयल्स का हो, जैसे कि जो भी नेचुरल ऑयल का, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोशिश करिए कि दिन में कुछ वक्त आप आग के पास गुजारें, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप एक मतलब दिया जला दीजिए या फिर एक लैम्प जला दीजिए, जैसे हिंदी में हम लालटेन कहते हैं, है ना, इंग्लिश में सर लालटेन ही कहा जाता है, वो जला दीजिए। मिट्टी तेल वगैरह से मत जलाइए, कैरोसिन से मत जलाइए, एडिबल ऑयल या फिर नेचुरल ऑयल से जला दीजिए, या ज़्यादा हो तो घी से जला दीजिए। कोशिश करिए कि उसके पास आप कुछ हद तक टाइम बिताएं, इससे क्या होगा, आपकी जो फायर एलिमेंट बॉडी की वो इवोक होगी। हमेशा एक टिप है, जो लोग डिप्रेशन में आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक देसी घी का दिया जलाइए या फिर एडेबल नेचुरल ऑयल का दिया जलाइए या लैम्प जलाइए, उसके पास 2-3 घंटे बैठ जाइए, ट्रस्ट में आपका मूड चेंज होने लगेगा, बहुत वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। इंसान लो फील कब करता है, आपके घर में बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके में मैं ऐसे एन नंबर्स ऑफ केसेस देखा हूँ जिसमें घर वाले से ही बात नहीं करते हैं, है ना, बेटी की बाप से नहीं बनती है, भाई की बहन से नहीं बनती है। तो ये जिसमें प्रॉब्लम आता है, ये लोग क्या होता है, इनके अंदर की फायर खत्म हो जाती है, ये लोग की कभी बनती ही नहीं है एक दूसरे से, उस घर की फायर एलिमेंट खत्म है। तो उस घर के फायर एलिमेंट जगाने से पहले आप अपनी फायर एलिमेंट जगा दीजिए ना, आप ये करके देखिए। बहुत आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब कोविड का दौर आया था, आपने कभी, चलिए कोविड छोड़िए, आप ये चीज़ जानते होंगे कि एज कम्पेयर टू शहर, गाँव के लोग कम बीमार पड़ते हैं, उसका रीज़न आपने कभी सोचा है? आज भी गांव में बहुत से घर ऐसे हैं, एंशियंट टाइम में तो होता ही था बट आज के डेट में भी गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर इसका लैम्प का यूज़ किया जाता है या दिया का यूज़ किया जाता है। ट्रस्ट में ये करके देखिए, बीमारी खत्म होती है इससे। कोविड में गांव के लोग कम बीमार पड़े थे, क्यों पड़े थे, इसका रीज़न यही था, आपके अंदर की फायर भी बुक रहेगी, आपका हेल्थ इशूज़ ऑलमोस्ट खत्म रहेगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब क्रिएटिव, मतलब समझ रहे हो, आपका माइंड का लेवल अलग काम करेगा, आप डिप्रेशन तो ये सब दूर की बात है। तो इसलिए बर्निंग फायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर में अपने आग जलाइए, दिया या कुछ लैंप लाइट करिए और उसके पास थोड़ा टाइम बिताइए।
थर्ड आता है फ्रेगनेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेगनेंसेस भी, आपका मूड को तुरंत चेंज करता है तुरंत। अब आप बोलेंगे कि सर ये वास्तु टिप नहीं है, ये कैसा है, ट्रस्ट में ये वास्तु के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आप जो भी धार्मिक जगह जाएंगे वहां पर अगरबत्तियां या धूप बत्तियां जलती रहती है, क्यों करता है वो, आपको मूड को मतलब ऐसे लिटरली चुटकी में चेंज करता है। अगर आप आपका मूड खराब है, आप कहीं अच्छे स्मेल वाले जगह में चले जाएंगे ना, बहुत अच्छा स्मेल आएगा, स्पेशली रोज लैवेंडर या फिर सैंडल का, आपका मूड चेंज होने लगेगा। मतलब आप एक ना अलग जोन में आने लगेंगे, आप एक कामनेस के जोन में आ जाओगे, आप एक खुशी हैप्पीनेस की जोन में आ जाओगे। इसलिए और इसका जो सबसे ज़्यादा मेन वर्क है ना, ये क्या करता है, जो फ्रेगनेंसेस होते हैं है ना, मैं आर्टिफिशियल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो चाइना वाले बहुत आने लग गए हैं, बट जो बेसिकली जो ओरिजिनल होते हैं ना फ्रेगनेंसेस, उनका मेजर वर्क क्या रहता है पता है, आपके आसपास से नेगेटिविटी को हटाना। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जिस भी घर में देहांत हो जाते हैं यानी कि इसकी डेथ हो जाती है हिंदुइज्म में बेसिकली, तो वो लोग उनके आसपास अगरबत्ती दिया या फिर कोई फ्रेगनेंसेस से, मतलब अगरबत्ती आपने सुना होगा हिंदुइज्म में तो चलता है कि जब तक डेड बॉडी रखी रहेगी वहाँ पर कंटिन्यूएशन में अगरबत्ती जलना चाहिए। आपने कभी रीज़न नोटिस किया है कि वहाँ पर नेगेटिविटी ना आ सके, तो ये नेगेटिविटी को हटाने का भी काम करता है फ्रेगनेंसेस। इसलिए इसको यूज़ करिए, बेसिकली अगरबत्ती तो जलानी ही जलानी चाहिए। नेक्स्ट सनलाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। जिसके घर में धूप नहीं आती या फिर धूप की रोशनी नहीं आती है, उस घर में लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है ना, आप विजिट करके देख लीजिए ऐसे घरों में, जिस भी घर में लॉन्ग टर्म में बीमारी चल रही है वहाँ पर सनलाइट आती ही नहीं है, कभी नहीं आएगी। और जिस घर में सनलाइट आएगी उस घर में लोग बीमार कम पड़ेंगे, लोग खुश रहेंगे, लोगों का ब्रेन पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा। तो सनलाइट आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर, कम से कम 2 घंटे के लिए तो सूरज की रोशनी आनी ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मस्थल, इस पर डिटेल वीडियो आएगा, बट ये वास्तु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आपका पूरा घर वास्तु के हिसाब से सेट है, पूरा घर, हर डायरेक्शन, एक एक जोन, एक एक गेट सेट है वास्तु के हिसाब से, बट यदि आपका ब्रह्मस्थल खराब है कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम चलेगा ही चलेगा। रीज़न, ब्रह्मा जी, ब्रह्मस्थल किससे डिराइव हुआ है, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कौन थे, क्रिएटर थे, एनर्जी के क्रिएटर थे, और आपके घर में या फिर जहां भी चार दीवारी खड़ी हो जाती है वहां के सेंटर पॉइंट को ब्रह्मस्थल कहा जाता है, और वहां से उसका बैलेंस होना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज ये आपका घर है, तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो रहेगा ब्रह्मस्थल, और यदि ये बैलेंस नहीं होगा तो घर की एनर्जी चैनलाइज हो ही नहीं पाएगी, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से एन नंबर्स ऑफ एनर्जी निकलती है, और यहाँ से ही एनर्जी निकल के आपके पूरे घर पे बढ़ती है। जब यही ब्रह्मस्थल ही मेंटेन नहीं रहेगा, यही बैलेंस नहीं रहेगा, तो जो एनर्जी निकलेगी वो ऑफकोर्स ये बात है डिस्टॉर्टेड ही निकलेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने घर का ब्रह्मस्थल को मेंटेन करो। आजकल लोग ब्रह्मस्थल में पिलर खड़ा कर देते हैं, डिजास्टर्स बन जाएगा आपका लाइफ, अवॉइड करिए। ब्रह्मस्थल हमेशा खाली रहना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मस्थल बैलेंस होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे वास्तु टिप्स है, इसे आप फॉलो करके देखिए, लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।